आज वाराणसी के संत रविदास मंदिर में दर्शन करने के बाद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खिड़किया घाट स्थित सीएनजी नाव का टेस्ट रन किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जल्द ही इस परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऊर्जा गंगा की शुरुआत काशी से ही की थी। काशी के घरों में तो पाइपलाइन के माध्यम से घरेलू ईंधन मिल गया है, लेकिन उनकी कल्पना है कि गंगा में संचालित नौकाओं में सीएनजी लगाई जाए जिससे पर्यावरण संतुलित रहे। उन्होंने कहा कि नाव की सवारी करने वाले सैलानियों को सस्ती नौका विहार का आनंद मिलेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री गंगा ऊर्जा योजना तकनीकी रूप से गंगा में पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि काशी में हो रहे स्मार्ट प्रोजेक्ट के तहत कई काम किए गए जिनमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, गंगा घाटों का सुंदरीकरण प्रमुख है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन, एनबीसीसी और इंडियन ऑयल फाउंडेशन की ओर से खिड़किया घाट का सुंदरीकरण किया जा रहा है। साथ ही कहा कि इन कंपनियों की मदद से काशी की संस्कृति और परंपरा से जुड़ी हुई विरासत को आधुनिक समय के हिसाब से परोसने का मौका मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा की शुरुआत काशी से ही शुरू किया था। काशी नगर में घरेलू ईंधन तो पाइप में मिल गया। उनकी कल्पना है गंगा जी में जो नौका चलते हैं उनके अंदर डीजल के बदले सस्ता सीएनजी लगाए, जिसमें पर्यावरण भी ठीक रहे और सस्ता भी रहे, नाविकों को थोड़ा दो पैसा बचत हो। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा माँ गंगा के अंदर टेक्निकली पहुंच गया है। चंद दिनों में ये पूरा जो नौका है उसको कन्वर्ट करने की काम तेजी से गेल और मेकॉन ये काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ बनारस को जो एक स्मार्ट सिटी के तहत सौंदर्यकरण के काम विश्वनाथ बाबा की मंदिर हो या शहर की अन्य अन्य सजावट हो या विशेष करके गंगा जी के घाटों की जीर्णोद्धार हो, उसी में से खिड़किया घाट, राजघाट से समीप खिड़किया घाट को भी यहाँ स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन, एनबीसीसी, इंडियन ऑयल फाउंडेशन, EIL, ये सब मिलके इसको एक बड़ा आधुनिक, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई, हमारी परंपरा से जुड़ी हुई काशी की जो विरासत है उस विरासत को आधुनिक समय में रिफ्लेक्ट करने के लिए चिल्ड्रंस पार्क हो, मेडिटेशन पार्क हो, फूड प्लाजा हो, नौका विहार के लिए व्यवस्था हो, लोगों को एक आध्यात्मिक पर्यटन के लिए ये घाट काम पे आएगा। इसी की भी काम आज हम लोग यहाँ कई दिनों से शुरू हुई है, उसकी एक रिव्यू करने के लिए हम यहाँ आए थे। आने वाले दिनों में काशी विश्व की एक आकर्षण केंद्र पहले से भी था, उसको अभी के समय में प्रधानमंत्री जी की सपना है और सुंदर किया जाए। आज से सीएनजी शुरू हो जाएगी गंगा में? देखो, टेक्निकल टेस्ट हुई है, प्रधानमंत्री जी उसको जल्द ही बड़े पैमाने पे लोकार्पण करेंगे। न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।